बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। पहले ही अंदर चले गए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अरे इस देश का राष्ट्रपति वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गया, वहां के ब्राह्मणों ने कहा ये दलित है, महादलित है, ये हमारे मंदिर में कैसे आया। उस ब्राह्मणों ने इस देश के राष्ट्रपति को धक्के मारकर बाहर निकाला। वो राष्ट्रपति आज तक उन ब्राह्मणों को अरेस्ट नहीं करवा पाया। जो राष्ट्रपति खुद के लिए न्याय नहीं मांग सकता, हम किसके पास जाएंगे? वेरी गुड, किसके पास जाने वाले हैं? और इसलिए मैं भारत में आंदोलन नहीं कर रहा। मुझे पता है यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ के एसपी, डीएसपी, मीडिया, प्रशासन सारा बिक चुका है, सारा बिक चुका है। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान ने हमारे धार्मिक अधिकार दिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली के 21 अगस्त के उस आंदोलन में था, मुझे एक भी शर्मा दिखाई नहीं दिया, एक भी तिवारी दिखाई नहीं दिया, एक भी त्रिपाठी दिखाई नहीं दिया। अरे इतने सालों तक आप उनके भगवानों को ढो रहे हो और वो आपके भगवानों के घर गिराते हैं, वो आपके आंदोलन में नहीं आ रहे। अरे फेंक दो उनके भगवान, फेंक दो, निकालो घर से वो गंदगी, निकाल दो अपने दिमाग से इनके भगवानों को। गुरु रविदास जी का कहना मानो, वाल्मीकि महाराज का कहना मानो। आज मैं यहां पर क्यों आया पता है? बाबा साहब जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी ने वहां पर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है और गांधी देश के प्रतिनिधि है। ये बात बाबा साहब ने भारत में कही कि गांधी ने यहां पर कहा कि गांधी देश का, भारत के देश का प्रतिनिधि है और बाबा साहब अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है। तब क्या हुआ बताएं? आपके ही पंजाब से, आपके ही चंडीगढ़ से बाबू मंगूराम जी ने सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया और बाबा साहब के नाम से खून से टेलीग्राम भेजे और बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम आए। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ये गांधी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, बाबा साहब हमारे सच्चे प्रतिनिधि है। ये काम यहाँ के वाल्मीकियों ने किया, यहाँ के रविदासी कम्युनिटी ने किया जब वो वहां उस समय शूद्र में गिने जाते थे। ये काम यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के लोगों ने किया। उस खत में एक बात और लिखी थी, क्या लिखी थी? यहां से खून से टेलीग्राम जो लिखे थे उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, इस टेलीग्राम में जो खून है ये खून बाबा साहब के खून से मैच कराओ। बाबा साहब के खून से मैच होगा, गांधी के खून से नहीं होगा। आप मेरे यहां पे जो बिहारी बैठे हो, बहन बैठे हो, मेरा खून मेरे शरीर में बाबा साहब का खून बहता है और ये खून आपके खून से मैच होगा, शर्मा तिवारी त्रिपाठी के खून से नहीं होगा। हमारा डीएनए एक है, इसलिए आपके ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो हम आगे आते हैं, बाबा साहब के लोग आगे आते हैं। कहां है आपका एमपी? कोई आया ऐसी सीट से चुन के गया हुआ कोई एमपी आपके आंदोलन में आया? कोई एमएलए आपके आंदोलन में आया? कोई नहीं आ रहा। गुंगे। बाबा साहब कहते आज जिनको एमपी आप कह रहे हो, क्या कहते हो आप? विधायक, सांसद। जिनको आज आप विधायक कहते हो, सांसद कहते हो, जो एससी के सीट से चुनकर संसद में बैठा है, आपके विधान भवन में बैठा है, आपके आंदोलन में नहीं आता, जिसको आप विधायक साहब कहते हो, सांसद साहब कहते हो, बाबा साहब 1946 में कहते हैं ये दलाल है, दलाल। हमारे लिए मुंह तक नहीं खोलता, हमारे लिए मुंह नहीं खोलता और इसलिए ये हमारे लिए मुंह नहीं खोलेंगे। बाबा साहब ने हमको आंदोलन के लिए एक और जरिया दिया है, संविधान के माध्यम से
बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को विश्व से जोड़ा हुआ है, और ये मुद्दा हम यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाएंगे। 28 सितंबर को नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस जा रहा है, और उस दिन 28 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के बाहर न्यूयॉर्क में कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से सभी अंबेडकराइट उस हॉल के बाहर जा रहे हैं। मैं भी वहां पर जा रहा हूं, और वहां पर भारत में हो रहे अन्याय अत्याचारों को उस यूनाइटेड नेशन के सामने रखूंगा। पुलिस वालों को लगता होगा बाबा साहब के परिवार का हिस्सा है, इसको कुछ भी कर लिया तो चल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केवल बाबा साहब के परिवार का हिस्सा ही नहीं, तो बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो निर्माण की है उसका ट्रस्टी भी हूं, चेयरमैन भी हूं, और नेशनल प्रेसिडेंट तो हूं ही। उसके साथ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का, जहां 125 देश जिसके मेंबर हैं, मैं उस संस्था का सेक्रेटरी भी हूं। उस संस्था का सेक्रेटरी हूं, और यूनाइटेड नेशन में मेरे पेपर्स वहां पर रखे जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में वहां पर हम हमारी बात रखते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग वहां पर अपने हक और अधिकार के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके लिए न्याय नहीं मिल रहा, और इसलिए हम लोगों को भारत के बाहर से भी हम लोग ये लड़ाई खड़ी करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये लड़ाई जो हम लोग लदास जी की कहना मानो, देखो मैं तो कहूंगा, आप लोगों को लगता होगा हमारे गुरु रविदास जी है, बाबा साहब इनके है, क्या कहते हैं गुरु रविदास जी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा सम बैठे रहे गुरु रविदास प्रसन्न। क्या कहते हैं, छोटा बड़ा साथ में बैठेगा, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, यही गुरु रविदास जी के वाणी को बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में उतार दिया, और सबको समान न्याय समानता बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में दे दी। यह हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, बुद्धा से चलते आया, गुरु गोविंद सिंह से चलते आया, गुरु रविदास जी से चलते आया, जो बाबा साहब ने संविधान में अंकित कर दिया है। यह हमारा नाता है, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, सिख समुदाय हो, रविदासी कम्युनिटी हो, वाल्मीकि कम्युनिटी हो, हम सब एक है। हमारे रिलीजियस सेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, हमारे मानव अधिकार के इश्यू एक है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा।